हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और क्या सुबह खैर है? लंच का बना रही हूँ मैं सेपरेट, और दो बात कर रही हूँ मैं कि आप लोग मेरे यूट्यूब में हैदराबादी कुकिंग शो फरहत देखिए ज़रूर, रेड बटन दबाइए, शेयर करिए। और मेरे भाइयों बहनों, खुसूसन मैं स्टार्टिंग नहीं पकाया, से पहले बोल रही हूँ आपको, ठीक है? बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही माला है, माशाल्लाह। मेरे को लाख सेहत है, जितने भी मुसलमान हैं लाओ को खैर उबर कर दे, सेहत बीमारियाँ से दूर फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं भी कुकिंग बताती हूँ आपको। आज रेसिपी क्या बना रही हूँ स्पेशल आपको, मैं पहली बार भी मैं कुकिंग बता रही हूँ। क्या है रेसिपी आज का? सेम की फली गोश्त स्पेशल, ये 1 किलो बकरी का गोश्त। और इसके अंदर में क्या क्या मिला है रेडी, मैं जल्दी बता रही हूँ। तो जल्दी जॉब वाले कॉलेज पढ़ने जाने वालों के लिए कुकिंग जल्दी फ़ोन करते हैं, आंटी जल्दी रेसिपी कोसा बनता है ज़रा बताइए बोल के बोलते, इसलिए मैं जल्दी 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 फास्ट फास्ट बना दे, आधा घंटे का मैं समय लेती है किसा वीडियो, इसलिए मैं जल्दी बनाने का बता रही हूँ लोगों को। और क्या है सेम की फली गोश, दालचा, वाइट राइस, वेजिटेबल। इंशाल्लाह मैं मंडे नहीं तो ट्यूजडे बना दी दालचा बनाने का रेसिपी में। ये जो फली के गोश्त के अंदर क्या क्या डालना बोले तो 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची, हरी मिर्ची डाल दी, और आधी प्याली तेल, ज़रा तेल ज़रा ज़्यादा डाली, आधी प्याली से थोड़ा 1 प्याज की डाल दी 1 किलो गोश्त में, और बोलते अदरक लहसुन 1 चम्मच डाल दे के मैं उसको मिक्सिंग करके चढ़ा दी, मैं गल गया। देखिए ढीला ढीला कहीं को रखी हो तो फली गलने के लिए रखी। आप लोग कैसे हैं? माशाल्लाह, हमारे दुआएं आप लोगों के साथ, मेरे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों। देखिए इसमें मैं मेथी के कट्टे 3 डाली और फली 1 किलो से थोड़ा सा अपनी फली एक्स्ट्रा, 1/2 किलो नहीं है, और हरी मिर्ची 6-7 डाली, लाल मिर्ची 1 चम्मच डाली, अपने जायके के हिसाब से मिर्ची डाली। बता रही फली इतनी बड़ी बड़ी क्यों काटे बोल के बोलेंगे, अपनी अपनी मर्जी के बाद बारीक काट लो, छोटी काट लो, मैं 1 में 2 बने ऐसा भी रेसिपी देख लो, ठीक है? देखिए ऐसा डालना। ओके, आप लोग क्या बना रहे लंच में? माशाल्लाह, 11वीं की दावत आ रही है, मेरे भाई के पास हुई परसों, छोटे भाई के पास, अभी इंशाल्लाह कल भी मेरी बहन के पास भी है, भाई के पास भी है, मैं कल इंशाल्लाह कल निशान चढ़ाऊंगी, पार्टियाँ होंगी कल 11वीं के, कल संडे है इसलिए मैं कल इंशाल्लाह चांद की तारे भी मगरिब है तो अच्छा लग जाता। अब क्या है इसलिए देखिए, इसमें कोथमीर भी डाल दी, मेथी की भाजी डाल दी, और टमाटर नहीं डाल रही इसके अंदर, मैं अपनी चॉइस दालचा नहीं है ना, मैं दालचा बना रही हूँ इसलिए मैं दालचा बनाने से मैं टमाटर नहीं डाल रही, दालचा नहीं रहे तो ज़रूर उसमें टमाटर डाले तो खाने के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसको सीधी बन दालचा, आप लोग क्या बना रहे? माशाल्लाह, देखो कल क्या बनाना देखना है कल 11वीं में,
मैं दाल चाहिए, टमाटर ज्यादा है, दाल कितनी है बोला तो अब से कुछ एक प्याली डाली भाई। ये प्याली से एक प्याली चने की दाल डाल, उसके हिसाब से बनाएंगे। इसके अंदर कच्ची मिर्च ज्यादा नहीं डाली, 5-6 बोटी डाली, छोटे से टमाटर ज्यादा डाली। अब ठंडा मौसम है ना, ज्यादा खट्टा नहीं पसंद है, नहीं डाली हरी मिर्ची। और क्या है, करिया पाक जाती, अब झाड़ गांव में तोड़ के इसमें से डाली। और क्या है, कद्दू गोश, हड्डी का गोश ली 1 किलो, उसके अंदर कद्दू डाल दी 1-1 चम्मच, अदरक लहसुन 1.5 चम्मच, 1 प्याज की डंडी छोटी सी, गोश चढ़ा दिए और हल्दी डाल दी। दाल दे के 1-2 सीटी के बाद कद्दू डाली, कद्दू से ज़रा सा नरम होगा। अब मैं दाल ले ली, इसके अंदर दाल चावी उबल आया, ज़्यादा उबल आना नहीं है। देखिए दाल में गरम मसाला भी डाल दी, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, रेड बटन दबाइए जरूर। देखो बन गया, दाल चा रेडी हो गया माशाल्लाह। फल्ली भी 1-2 सीटी हो तो फल्ली भी बन जाती। बड़ी ट्रेस बना रही इसके साथ, बगैर रखू नहीं बना रही, क्यों बोले तो दावत आ रहे ना गर्मी के, उसके हिसाब से नहीं बना रही आज। फिर कल भी हम वापस रहेंगे इंशाल्लाह, उसके हिसाब से मैं बना रही मैं। और क्या, आप लोग दुआ में शामिल रखिए, हम भी दुआ आप लोगों के लिए करेंगे। या अल्लाह जितने मुसलमान हैं अल्लाह उनको खैर बरकत दे दीजिए, और जितने परदेश में हैं, जितने पढ़ने गए हैं जॉब के लिए गए, अल्लाह उनको सेहत अदा फरमा दे। जो कमा के पढ़ ले रहे हैं वहाँ पर कितनी मुसीबत उठा लेते अपनी पढ़ाई के खातिर, जो भी है अल्लाह उन लोगों को खैर बरकत दे, कमाई में बरकत दे। जितने परदेश में हैं उन लोग भी अल्लाह उनको नौकरियों के बारे में गए, जो आज़ाद फिजा में गए, जो परेशान में, अल्लाह उनके परेशानियाँ दूर फरमा दे। जो अच्छे हैं नौकरियाँ उन लोग भी सेट हो गए, और उन लोगों के लिए भी जो गए सो आज़ाद फिजा में, उन लोगों के लिए भी नौकरी अदा फरमा दे। और क्या है, अब देखिए हो गया ये, पक गया वो माशाल्लाह। और क्या है, मैं फल्ली जो ये डाले वैसे 1 सीटी में निकाल दी, सिर्फ टमाटर नहीं डाली, दाल चा बनाई ना उसलिए टमाटर नहीं डाली। खाने के साथ है तो टमाटर डालना। देखो माशाल्लाह खमीर भी माशाल्लाह अच्छा है। मैं थोड़ी सी बात करना है, और देखो मेरा चैनल हैदराबादी कुकिंग फरहत शो ज़रूर देखिए, रेड बटन दबाइए, माशाल्लाह सब जने देख रहे, शेयर करिए। बहुत बहुत खुशी हो रही माशाल्लाह मेरे को देख के, आप मेरे को देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, मैं इतना खुश हो रही हूँ जैसा घर में शादी हो रही, दावत हो रही, सका खुश हो रही। अल्लाह मेरे कितने लोग लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं बोल के, आप मेरा कुकिंग देख के बहुत खुश हो रहेंगे। अल्लाह बहुत सा रेसिपी अच्छा है माशाल्लाह। मैं जल्द से जल्द क्यों बना के बता रही बोले तो जॉब वालों के लिए बता रही मैं, कुकर में कितने मिनट में जल्दी बनता, मेरे को फोना करते समझो आंटी लाला मेरे को बोलते सो आपी आपाजान, मेरे भाया भाया के बच्चे बहना बहनों के कैसा बनाए तो जल्दी रेसिपी होता वो बताइए कुकर में बोलते, इसलिए मैं उसलिए जल्दी जल्दी बना के पहले रेडी रख लेती हूँ बनाने का। खाना भी दो तीन सीटी में बिरयानी दम, 2-3 सीटी में तहारी दम हो जाती। मैं पुराने जो रेसिपी सब देख लीजिए आप, उसमें दाल चा भी कैसा जल्दी अपने जल्दी रात को दाल गला लेके पीस के रख ले के रेडी रख लो बॉक्स में, सुबह में जल्दी मिला लो दाल चा बन गया। फल्ली है, फल्ली के अंदर मेथी की भाजी, मैं पूरा मटेरियल बताई आपको, जैसा जैसा 1-1 चम्मच डाल के बनाना, ये जायक है 1.25 किलो गोश्त के हिसाब से, इसमें भी दाल चावल 1.25 किलो डाल। और क्या है बोले तो वही ट्रेस, अपने चाहे
अचार के साथ भी खा सकते हो, ठीक है, कि मर्जी के बाद मेरे को अचार चाहिए तो अचार लाइक करके खाती, थोड़ा सा जायके के हिसाब से। और क्या अपने को माट की भाजी खाने से कितने फायदे, की भाजी खाने से कितने फायदेमंद है, बहुत अच्छी चीज़ है माट की भाजी खाना सेहत के लिए। मैं इसका रेसिपी इंशाल्लाह बना के बताऊंगी, फ्राई करने का, रोटी के साथ खाना है, सुक्का सालन के साथ खाना है, तो मसूर की दाल मैं फ्राई करने का एक तरीके का बताती हूँ आप लोगों को। और क्या है कुल्फे की भाजी से फ़ायदेमंद क्या है, बहुत ताकत चीज़ है, शुगर बीपी ज़्यादा सा गोश्त खाना भी ज़रूरत नहीं है अपने को। तरकारी खाइए आप लोग, बहुत देखिए प्याज की पत्ती, लेकिन दो दिन में एक बार प्याज की पत्ती बनते रहती माशाल्लाह, बहुत खाती मैं, अदरक कच्ची अदरक खाती, झाड़ों में अदरक रख लेती, थोड़ी सी नहर पेट खा लेती, हाजिमा हो जाता, अच्छी चीज़ है। देखो प्याज की पत्ती, इसका भी रेसिपी भी इंशाल्लाह बताऊँगी मैं कैसा बनाने का। इससे पहले पुराने रेसिपी में मैं बताई सो उसमें भी प्याज की पत्ती बनाए से बताई, फिर ये चलता कुल्फे की भाजी, जैसा गोश्त में ही डालना बल्कि कुछ नहीं है, जैसा बनाओ सा है, इसमें कितने आइटम्स है, अरे इसमें भी कितने आइटम्स से बनाना, रोटी में डाल के बना लेके खाओ, ज्वारी की रोटी में डाल के भी बनाओ। ज्वारी की रोटी का रवा मोटा पिसा लेना, एक किलो आधा किलो पिसा लेके उसका दरिया जैसा बना लेते, हरी आइटम बना लेके 4 बजे के टाइम शुगर पेशेंट को दीजिए, माशाल्लाह बहुत है, उसमें डाल लीजिए, हरा बटाना डालो आप चाहे, चाहे कैसा कैसा डाल के भी खाना है कि साल खाना है, ज्वारी का दरिया बोलते उसको, बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या है मैं शुगर के बारे में कितने दवाएँ बोली, मैं वही 5 आइटम बोली थी, 300 के ऊपर अबव है शुगर तो जो जो बोल के दवा सस में मिलता वो मिला लीजिए, करेले का पाउडर भी मिलता वो भी मिला लीजिए, इंजेक्शन तक जाने की नौबत मत कर लियो आप लोग। फिर बोल रही मैं पुराने रेसिपी में भी है कलौंजी मेथी काले जामुन का पाउडर आंवले का पाउडर नीम का पाउडर 5 बोली थी, आज क्या है जो जो बोले तो ब्लैक इतने इतने आते कार्डियम के टाइप में वो पाउडर मिल जाता दवा से वो मिला लीजिए। मेथी भी कितने हो गए 6 आइटम ये पूरा, और 300 के अब और है अपने को इंडिशन 400 तक आ जाएगा तो ले लियो बोल के बोलते डॉक्टर। और उसके अंदर करेले का पाउडर, जितने कड़वे चीज़ा मिला लेके पाउडर रखे वो खाना ज़रूरी है, दवाया बंद कर दीजिए आप लोग। मैं जो बोल रही हूँ वो मैं 2-3 जनों को बोली, सब गोलियाँ बंद कर दिया ना, कंट्रोल, वॉकिंग करना सुबह में, नहर पेट कितना खाना, कितना तेल की चीज़ मत खाना, वो हिसाब से मैं आप लोग को बोल रही ना। अपन खा लेंगे दावतों में मीठे खा लिए, दे बिरयानियाँ खा लिए, सैंडविच खा लिए, कंट्रोल होगा तो नहीं होता कंट्रोल, मैं जो कंट्रोल का हिसाब से बता रही खाने में है अपने पास, वो दवा खा लो, 3 टाइम खा लो, नहर पेट उठते मुँह हाथ धो लिए, अपने इबादत हो गए बस से, नहर पेट खा लेके दवा, थोड़ा वॉकिंग चलिए, वॉकिंग जाके बस अपने को क्या है थोड़ा सा लाइट क्या खाना है, चना भी भिगा के खा सकते, मूंग भिगा के खा सकते, वो भी मैं सलाद बताती इंशाल्लाह। मैं आइटम्स बोल रही आप लोगों को, मैं 2-3 जनों को पेशेंट्स को भी बोली मैं वही खा रहे लो माशाल्लाह फ़ायदेमंद है। मैं 2-3 दिन से वीडियो खाली कुकिंग का बता रही बोल के आज खुसूसन लेके मैं हमारे पास संडे के दिन 11वीं है इसलिए बोल के मैं आज बैठ के बनाई, फिर 2-3 दिन तक फिर नहीं होता, दावतों में शरीक होना है, कल भी है मेरी बहन कने हैं भाई कने हम जा। हेलो देखिए हमें बता रही पल्ली गोश, सेम की पल्ली गोश, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हमीर भी माशाल्लाह आया, ये इतना तेल मत खाइए, मैं पका के बता रही उसमें से मैं निकाल देती, अब आप लोगों के खातिर मैं बताई कोई चॉइस करते खाने के लिए। और कद्दू का दाल झाड़ों का बहुत शौक मेरे को, झाड़ा बहुत पसंद, ये बाहर रखती बालकोनी में आज और इसलिए इधर ला के थोड़ी देर रख ली। और क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए इज्जत में शिरकत कीजिए, और आप लोग ये देख रहे रेसिपी कैसा है, रेड बटन दबाइए, शेयर करिए, और बोलते सो
मैं जो दो तीन दिन से नहीं बता रही थी, मैं इसलिए अब बता रही मैं आपको। और क्या आप लोग कैसे, मैं इतने आइटम्स बता रही हूँ आप लोगों को शुगर के बारे में, बीपी के बारे में। जैसा एज के हिसाब से मैं ज़्यादा एज हो जाती हूँ, उन लोगों को हाजिमे के लिए सब अच्छा सा उबाल के करके अपन नरम करके दीजिए, खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़्यादा खट्टा नहीं, टमाटे डाली ज़्यादा दालचे में, कच्चे में मौसम सही नहीं है, दो तीन बोर डाली ज़्यादा, ये कद्दू। कद्दू खाने से भी बहुत फ़ायदेमंद है, मीठा सालन बना के खाओ, कद्दू का शेरवा बना लो, कद्दू की कड़ी भी बना लो, अपनी अपनी चॉइस। मैं जितने वेजिटेबल बता रही, मैं ज़्यादा वेजिटेबल बना के खाती मैं, घर में भी सब वही खाते। ठीक है, देखो फल्ली का सालन दिख रहा नहीं होगा, मैं उठा रही प्लेट, उठाना नहीं चाहिए, क्या कर सकते। फल्ली का मजा, मेथी माशाल्लाह बेहतरीन गला, बकरी का अगर मैं फली फली एक फली में दो टुकड़े करी, मैं को रोटी के साथ खाने माशाल्लाह अच्छा है। जिसको शुगर 300 के अबव है कलबंदा भी खा सकते, जिसको सरद नहीं है उन लोग मत खाइए, कलबंदा भी नहर पेट खाइए। इतने आइटम बना के पाउडर रख लो आप लोग, गोलियां खाने की जरूरत नहीं। आप देखिए मेरी बात, यकीन करिए, मैं दो तीन जनों को बोली भी, माशाल्लाह अच्छे लगेंगे, अच्छा सा हेल्थी है, बहुत अच्छी बोले आप बोल के बोल रहे। मालूम है अपने को यूट्यूब पे कितने बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी मैं फिर भी जिक्र करी। माशाल्लाह खा के देखिए, टेंशन ना को लो, टेंशन को दूर कर दो, ये जिंदगी है। और क्या सरक 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 राय सरक सरक वटेवर।